बीजेपी को कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन भाजपा इस गठबंधन को क्या वाकई चुनौती मानती है? वो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, सिर्फ वोट नहीं देगा जाट कि उनके वोट का लाभ देश विरोधी ताकतों को मिले। उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हुए हम आ पहुंचे हैं शामली विधानसभा क्षेत्र में। ये सीट काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, लेकिन आज हमारे बीच मौजूद हैं बीजेपी उम्मीदवार तेजेंद्र निर्माल जी। बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सर आपका पहला सवाल आपसे यही है, क्या रणनीतियां इस बार आपके चुनावी मैदान में है, क्योंकि गठबंधन भी आपके सामने है? बीजेपी को कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है, राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ राजनीति करती है और सुशासन, कानून व्यवस्था, विकास यही उसके मुख्य मुद्दे होते हैं। तो ये हमें कोई विशेष रणनीति की आवश्यकता नहीं। जितना काम गरीबों के लिए किया है, जितना काम समाज के हर तबके के लिए किया है, जितना काम कोरोना के दौरान किया सरकार ने और जितनी सरकार की योजनाएं हैं गरीबों को लेकर, वो घर घर तक पहुँचती दिखाई दे रही हैं, उन तक वो चीज़ की डिलीवरी हो रही है। अब तक योजनाएं पेपर पे होती थी, भाषण में होती थी, लेकिन ज़मीन पे डिलीवरी नहीं मिलती थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को डिलीवरी मिल रही है और जो सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा मिल रही है। तो लोग ही खुद ही वो रणनीति खुद ही बना रहे हैं आम आदमी भाजपा के लिए। भाजपा को बनाने की आवश्यकता नहीं है, आम आदमी उसके लिए रणनीति बना रहा है कि कैसे मोदी जी आएँ, कैसे योगी जी आएँ, कैसे भारतीय जनता पार्टी आए। तेजेंद्र जी, एक तरफ काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भी हैं, बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के स्तर को और सुधारने की काफ़ी आवश्यकता अभी भी है। तो आने वाली जो समय है, सरकार आपकी फिर बनती है तो किस तरीके का रोड मैप शिक्षा बेरोजगारी की स्तर को सुधारने के लिए बनाया जाएगा? बेरोजगारी की दर पहली सरकार के मुकाबले काफ़ी नीचे आ चुकी है। उस समय 18% से ऊपर थी, अब वो 4.5% के आसपास है। तो धीरे धीरे इसको और नीचे लाएंगे और केवल भाजपा ही ला पाएगी। अगर दूसरी कोई सरकार गलती से आ भी जाती है तो दोबारा फिर वही 18 की बजाय 36 हो सकती है, लेकिन नीचे कभी ला नहीं सकते। नई शिक्षा नीति के तहत उस सारी चीज़ों को एड्रेस किया गया है जो समस्याएँ स्टूडेंट्स के सामने आ रही थी। वो नई शिक्षा नीति जैसे जैसे लागू हो रही है वैसे सारी समस्याओं का निराकरण हो रहा है और निश्चित रूप से देश का भविष्य उज्ज्वल हो और हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो इस लायक बने कि पूरी दुनिया को दिशा दे सके, न केवल भारत को। तो ऐसी योजना के साथ ही नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, उसी के आधार पर सरकार काम करेगी। सपा RLD अपने गठबंधन को मजबूत मानते हुए ये मान रही है कि भाजपा के सामने चुनौती गठबंधन बन गया है, लेकिन भाजपा इस गठबंधन को क्या वाकई चुनौती मानती है? वो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं और उसके आधार पर मेरा इतना कहना है, गठबंधन में वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और वैसे भी इस गठबंधन में एक बहुत बड़ा धोखा हो गया, अखिलेश जी ने कर दिया जयंत चौधरी के साथ में। उन्होंने घुमा फिराकर सारे प्रत्याशी वो लोग ले लिए जो सपा के कार्यकर्ता थे प्रमुख रूप से। जहाँ तक वो जाति की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 21 टिकट जाट समाज को दिए हैं और गठबंधन ने केवल 3 टिकट दिए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता ना तो उनका जातिवाद काम करेगा, ना उनकी रणनीति काम करेगी और ना उनकी विचारधारा है उनके पास कुछ। विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी में भी जाट और मुस्लिम समुदाय या फिर और भी जो वर्ग हैं वो नाराज है या वोट बढ़ सकते हैं। तो आप इस सवाल को या फिर इस आरोप को कितना सही मानते हैं, या वाकई ये सच है या सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है? देश के लिए मरने वालों में जाट जाति का नाम सबसे ज़्यादा है। बॉर्डर पर अपने सीने में गोली खाने वालों में सबसे ज़्यादा हमारा नाम है। देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने वालों में हमारा नाम है। राष्ट्रवाद कूट कूट कर हमारे DNA में भरा है और राष्ट्रवाद की विचारधारा केवल भाजपा लेकर चलती है। हम उस तरफ वोट नहीं देगा जाट कि उनके वोट का लाभ देश विरोधी ताकतों को मिले। वो उन अपराधी जो हमने जेलों में बंद किए हैं वो उन्हें छुड़वाने के लिए वोट नहीं करेगा गठबंधन के पक्ष में। जो जमानत तुड़वाकर जेलों के अंदर घुस गए हैं उन अपराधियों को छुड़वाने के लिए जाट समाज वोट नहीं करेगा। 80% वोट जाट समाज का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। सपा RLD के कैंडिडेट को अपने लिए आप कितनी चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती है ही नहीं। आप जाट समाज में तुलना कर लेना, उसमें मेरा वोट 60% निकलेगा और बाकी सारा समाज तो एक तरफ है। मुस्लिम वोट भी मुझे मिल रहा है 10-15 हज़ार। आखिरी सवाल सर आपसे यही है कि आप शामली की जनता के लिए, क्षेत्र के लिए क्या कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपकी सरकार बनने के बाद पूरे होंगे, फिर क्या रणनीतियां आपकी रहने वाली हैं ऐसी जो अभी तक काम रुके हुए हैं वो आगे आपकी सरकार बनने के बाद पूरे हो जाएंगे? नहीं, यहाँ पे बस अड्डा राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राज्यीय बस अड्डा बने, यहाँ हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट बने, वो मेरा एक रहेगा मेरे मन में उस तरह काम करने का, क्योंकि ये हायर एजुकेशन का बड़ा सेंटर
बने, ऐसा मेरे मन में है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी जन सुविधा के क्षेत्र में और अधिक काम हो। एक औद्योगिक पार्क के लिए मेरा प्रस्ताव भी पेंडिंग है। मैं चाहूँगा कि अगर दोबारा जीत के सत्ता में आते हैं और मैं भी इसके साथ जुड़ता हूँ तो मैं निश्चित रूप से उस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाना चाहूँगा जो हमारे लाख लिसाड़ और बावड़ी के क्षेत्र में है। तो ये मेरे मन में है कि मैं उस काम को आगे बढ़ाऊँ। महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कुछ अब नया होने वाला है? युवाओं के लिए जितना पारदर्शिता से सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, एक भी नौकरी में कोई युवा बता नहीं सकता कि मुझे 2 रुपये देने पड़ गए। पहले जैसी नौकरियां निकलती थी तो पूरे परिवार के परिवार लोगों से उगाही करने निकल जाते थे, लेकिन आज वो जो पढ़ेगा, जो ईमानदारी से योग्य होगा, वही आगे बढ़ेगा, उसी को नौकरी मिलती है। इनके बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में बीजेपी प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम कर रही है। MSME के तहत बहुत सारी फैक्ट्री को लोन दिया जा रहा है। ODOP के नाम से जो प्रोडक्ट्स हर जिले में चलाए जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स, उनमें भी रोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है। आगे भी और गति से बढ़ेगा, ऐसी सरकार व्यवस्था करेगी। तो ये थे हमारे साथ जयेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ इस बार रहने वाली है रणनीतियां पार्टी की, कैसा माहौल रहने वाला है और क्या कुछ नया होने वाला है। लेकिन बहरहाल चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि एक बार फिर भाजपा आएगी या फिर सपा बसपा का गठबंधन जो है, सपा RLD का गठबंधन बाजी मार जाएगा। ये तो बहरहाल चुनावी नतीजों पर ही निर्भर करेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फसल क्रांति को देखते रहिए।